सपा से बागी होते ही नारद राय ने अमित शाह से की मुलाकात। ओम प्रकाश राज्य भर भी रहे साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतरिम चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने सोमवार को पार्टी से बगावत कर दी। उन्होंने समर्थकों संग बैठक के बाद साइकिल में ताला लगाने के साथ भाजपा को जिताने की अपील कर दी। पूरी बैठक फेसबुक पर लाइव हुई। नारद राय ने राष्ट्रीय और जिला नेतृत्व पर उपेक्षा और अपमानित करने का आरोप लगाया। इसके बाद रात में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी इस दौरान मौजूद रहे। वह देर रात वाराणसी से नदीसर पैलेस में सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संकल्प, सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करूंगा। चर्चा के अनुसार रविवार को बलिया से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे के समर्थन में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सपा थी, उसमें नारद राय भी बोले थे। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन के दौरान नारद राय का नाम लिया। सातवें चरण के मतदान से पहले बलिया से 2 बार के विधायक रहे और भूमिहार समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले नारद राय के भाजपा के खेमे में जाने को सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बलिया से समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नारद राय खुद इस सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद से भी वे नाराज चल रहे थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बलिया के फेंकने के कारण कटारिया में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा के दौरान मंच से उनका नाम नहीं लिया। नारद राय इसके बाद से ही नाराज थे। नारद राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री राजनीति के जानकी अमित शाह के संकल्प की समाज के अंतिम पंक्ति में बसे गरीब को मजबूत करने वाली सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करूंगा। नारद राय की अमित शाह से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि वह जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। वह बुधवार यानी 29 मई को बलिया में होने वाली अमित शाह की रैली में भी मौजूद रह सकते हैं।